करेंगे। तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझे। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे, लाइ बिटवीन, भाई बिटवीन में कितने नंबर होंगे, स्क्वायर ऑफ दी फॉलोइंग नंबर्स, नीचे आपको दो दो नंबर दिए हुए हैं, उनकी अगर जो हम स्क्वायर करें तो उनकी स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर आएंगे, बराबर ना, वो आपसे पूछ रहा है। तो जैसे कि 12 है एंड 13 है, तो देखो एक आप एक इसमें कंडीशन है, एक प्रिंसिपल है, ऐसे बोल सकते हो, प्रॉपर्टी है, ऐसा बोल सकते हो, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। देखो कोई भी नंबर हो, भाई कोई भी नंबर, सपोज करो एन है और दूसरा एन प्लस वन है, ऐसे दो नंबर है, एक एन है दूसरा एन प्लस वन है, ठीक है, उनकी स्क्वायर करूं मैं, उनकी स्क्वायर करूं तो उनके बीच में कितने नंबर होंगे, टू एन के इक्वल होंगे, कितने होंगे, टू एन के इक्वल होंगे। देखो कंपल्सरी एक एन हो दूसरा एन प्लस वन हो, जैसे कि 12 एंड 13 है, तो 12 और दूसरा 12 प्लस 1 हुआ कि नहीं, मतलब यहाँ पे एन जो हुआ वो 12 हुआ और उसके बाद एन प्लस वन मतलब 12 प्लस 1, समझ रहे हो, इस तरह। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर, एक एन है दूसरा एन प्लस वन है, उनकी स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इक्वल टू 2n, 2n के इक्वल होते हैं, ये कंडीशन है, एक प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, कंपल्सरी 12 के बाद है वो 13 है, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है उनकी स्क्वायर के बीच में, इसी तरह 25 26, देखो आप, तो एन यहाँ पे 25 होगा, बराबर 25 और 26, इसी तरह 100 और 99 एंड 100, तो 99 प्लस 1, समझ रहे हो, एन एन प्लस वन उसकी स्क्वायर, ओके। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम जैसे कि फर्स्ट नंबर करें, तो फर्स्ट नंबर करें हमारा 12 है एंड 13 है, ठीक है, तो इसका मतलब 12 एंड 13 मीन्स 12 प्लस 1, तो दोनों की स्क्वायर कर दिया, तो कहने का मतलब हमारा n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 12 हुआ ना, बराबर ना, समझ में आया, ये 12 और ये 12 प्लस 1, तो n हमारा क्या हुआ इस कंडीशन के हिसाब से 12 हुआ, तो n जो हुआ वो 12। अभी हमें बिटवीन में बताना है, तो हम क्या बोलेंगे, therefore the total numbers, the total numbers lie between square of 12 and 13, तो 12 और 13 की स्क्वायर करें तो उसके बीच में कितने नंबर होंगे, 2n, मतलब 2 और n की जगह पे मैं क्या रखूंगा, हमारा क्या है 12 है, तो दोनों का इंटू करो 24, मीन्स 24 नंबर होंगे। आपको चेक करना हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो वो भी कर सकते हो, कैसे, मैं देखो 12 की स्क्वायर क्या होगा, 144 होगा, क्या होगा 144, और 13 की स्क्वायर करो, 13 169 होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपका सब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी आप 144, 12 की स्क्वायर मतलब 144 हुआ, 13 की स्क्वायर मीन्स 169 हुआ, तो अभी आप इसके बीच में काउंट करोगे ना, नंबर 24 होंगे, मतलब बीच में कौन से होंगे, 145 146 147 अप टू 168 तक गिनना है, तो आप काउंट करोगे तो 24 नंबर होंगे, ओके। तो ये कंडीशन है, ध्यान रखना है, एक एन नंबर हो दूसरा एन प्लस वन हो, उसकी स्क्वायर के बीच में जो नंबर होते हैं वो 2n के इक्वल होते हैं, कंपल्सरी कंजर्वेटिव नंबर होने चाहिए। अब देखो 12 13 25 26 99 100 कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, कंपल्सरी कंसेक्यूटिव मतलब एक नंबर उसके बाद वाला दूसरा नंबर, ठीक है, उसको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो इस तरह आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया, अभी हम सेकंड नंबर करेंगे, ओके। अभी इसी तरह हम सेकंड नंबर करेंगे, ओके। सेकंड नंबर अभी क्या है, 25 एंड 26 है, तो कहने का मतलब आपको एक 25 की स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर करनी है एंड दूसरा 26 की स्क्वायर करनी है, कहने का मतलब ये 25 की स्क्वायर एंड 26 मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो कहने का मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 25 हो गया, ओके, ये सेकंड नंबर है, n मीन्स क्या हो गया 25 हो गया ना, बराबर, तो बिल्कुल इजी। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 25 एंड 26,
भाई 25 और 26 अगर जो इस पार करें और उनके बीच में कितने नंबर आएंगे टोटल 2n के इक्वल होंगे, 2n के इक्वल मींस 2 और n आपका क्या है 25 है, तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं 25 2 जा 50, मतलब हम 25 की स्क्वायर करें और 26 की स्क्वायर करें उसके बीच में नंबर कितने आएंगे 50 नंबर आएंगे टोटल। ओके तो यह हो गया आपका सेकंड नंबर। इसी तरह हम थर्ड नंबर करें, थर्ड नंबर हमारा क्या है 899 है एंड 100 है, उनकी हमें स्क्वायर करनी है, स्क्वायर के बीच में ही फाइंड करना है। तो 99 की स्क्वायर बराबर 99 की स्क्वायर 100 मींस 99 प्लस 1 उसकी स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 99 हुआ, क्या हुआ 99 हुआ ना, n n प्लस 1 मींस 99 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या हुई 99 हुई। ओके इसके बाद फिर यही स्टेटमेंट लिखोगे, टोटल लिखना आप टोटल नंबर्स आई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100 ओके इक्वल्स टू 2n, स्टेटमेंट लिखना 2n, तो 2n की जगह पे क्या रखूंगा 99 और 99 को मैं 2 से इनटू करूं तो क्या हुआ 198, तो मींस 99 की स्क्वायर करूंगा और 100 की स्क्वायर करूंगा तो बीच में टोटल कितने नंबर आएंगे 198 आएंगे। ओके ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से करेगा तो बिल्कुल इजी होगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।